आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम मोरारजी देसाई के बारे में जानेंगे, उनके बारे में बात करेंगे। दोस्तों भारत के ओल्डेस्ट प्राइम मिनिस्टर थे ये, 83 साल में इनको प्रधानमंत्री का पद मिला था, और बताना चाहता हूं ये चौथे प्रधानमंत्री थे भारत के। ये एक ऐसे इंसान है जिनको भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों का उच्च सम्मान मिला है, जो सबसे हाईएस्ट अवार्ड होते हैं, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स। भारत में इनको भारत रत्न दिया है और पाकिस्तान ने इनको निशाने पाक दिया है। इनको अपने अड़ियल स्वभाव के लिए बहुत ज्यादा जाना जाता था, वो एपिक टसल बिटवीन इंदिरा गांधी एंड मोरारजी देसाई कि भैया कौन प्रधानमंत्री बनेगा, मोरारजी देसाई की इंदिरा गांधी, उसके बारे में भी जानेंगे। हम सब कुछ डिस्कस करेंगे, आजादी से पहले और इमरजेंसी के बाद पूरा देखेंगे कि क्या सिनारियो था, और मोरारजी देसाई की पूरी स्टोरी देखेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, विलंब नहीं करते हैं। sid_econnect मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। दोनों ही जगह पर अच्छा की पीडीएफ ले सकते हैं, मुझसे सवाल भी पूछ सकते हैं। साथ ही साथ हमने हर एग्जाम्स को कवर किया है, आप इन नंबर्स पे कॉल करिए, वेबसाइट विजिट करिए। तो अगर दोस्तों हम भारत के सारे प्रधानमंत्रियों की बात करें, वैसे बता दूं प्राइम मिनिस्टर सीरीज चल रही है, मैंने सारे प्राइम मिनिस्टर्स को कवर किया है। मंथ में एक और दो प्राइम मिनिस्टर्स जो इंडिया के हैं आजादी के बाद, आजादी से पहले तो थे नहीं, उनकी बायोग्राफी मैं लेके आया हूं। और सबसे पहले मैंने जवाहरलाल नेहरू की भी बायोग्राफी मैंने कवर की है, ठीक है, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे आजाद भारत के। वैसे जवाहरलाल नेहरू पे दो लेक्चर्स हैं स्टडी आईक्यू पे। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री की बुक का ही मैंने रिव्यू किया है, इंदिरा गांधी की ऑटोबायोग्राफी माई ट्रुथ का रिव्यू किया हुआ है, मोरारजी देसाई का कर रहा हूं, चरण सिंह का बहुत जल्दी कर दूंगा, राजीव गांधी का बहुत जल्दी कर दूंगा, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, नरसिम्हा राव का मैंने पूरा रिव्यू किया हुआ है, सबके दो पार्ट्स हैं। उसके बाद देवेगौड़ा, आईके गुजराल का नहीं किया है, कर दूंगा। अटल बिहारी वाजपेयी का ऑलरेडी किया है, लाखों लोग देख चुके हैं। मनमोहन सिंह के तो मेरे चार लेक्चर्स हैं, दो इनकी बायोग्राफी के जिसको लाखों लोग देख चुके हैं, और दो इनकी बुक हाल ही में जो काफी कॉन्ट्रोवर्शियल बुक रिलीज हुई थी, उस पर मूवी बनी थी द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, उसका रिव्यू किया हुआ है, और मोदी जी की बायोग्राफी का मैंने रिव्यू किया हुआ है। तो चार प्रधानमंत्री बचे हुए हैं, बहुत ही जल्द इनका रिव्यू अवेलेबल हो जाएगा। अब आप इन सारे लेक्चर्स को देख लें, आपको बहुत ही अच्छे से पता चल जाएगा कि इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या था, भारत की तस्वीर पता लग जाएगी। तो आज ही देख लें इनको, सारे तो नहीं, एक एक करके देखें। तो अगर हम मोरारजी देसाई की बात करें दोस्तों, तो गुजराती थे ये, ठीक है, ब्राह्मण फैमिली से थे ये, और काफी गरीब परिवार था इनका। आठ भाई बहनों में सबसे बड़े थे ये, और इनका जो जन्म था 29 फरवरी को हुआ था, लीप ईयर के टाइम। दोस्तों एक साल में 365 1/4 डेज होते हैं, चार साल बाद एक लीप ईयर होता है, तो लीप ईयर के टाइम इनका जन्म हुआ था 1896 में इनका जन्म बुलसार डिस्ट्रिक्ट, जो कि अभी तो गुजरात में है, उस समय बॉम्बे प्रेसिडेंसी कहलाता था, वहां पे इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी एक स्कूल टीचर थे, और काफी आर्थिक तंगी थी शुरू में, काफी ज्यादा पैसे का अभाव था, जिसके कारण बहुत ज्यादा परेशानी हुई। पिताजी का बहुत ही जल्दी देहांत हो गया था, अपनी जिंदगी उन्होंने खत्म कर ली थी, जिससे बहुत ज्यादा परेशान मोरारजी देसाई जो है वो रहने लगे थे। तो काफी दिक्कतें थी, और इसीलिए बोला जाता है कि इनका जो स्वभाव है इतना ज्यादा अड़ियल हो गया था, इतने ज्यादा मुंहफट हो गए थे ये, ठीक है, एक्सट्रीम राइटिस्ट थे ये, ऑर्थोडॉक्स थे दोस्तों, रूढ़िवादी थे। आपको बताना चाहूंगा कि जब इनको कैबिनेट में जगह मिली, तो भैया इन्होंने एक एक करके जहां पे बहुत ज्यादा अश्लीलता की संभावना थी, वो सारी जगहों को इन्होंने काउंटर करना शुरू कर दिया। सिनेमा में अगर कुछ भी गंदा दिखाया जाता था, ये काउंटर करते थे, इन्होंने पूरा एक्शन लिया। जो बहुत ज्यादा कुछ, क्योंकि देखिए सोसाइटी जो थी उस समय दो में डिवाइडेड थी, एक तो बहुत अमीर था जिसके पास बहुत पैसा था, जो बहुत ज्यादा खर्च करता था, और एक के पास कुछ नहीं था। भारत की मेजॉरिटी अंडर प्रिविलेज्ड थी जब भारत आजाद हुआ था, तो यहां पे मोरारजी देसाई तो स्टॉन्च गांधीयन थे, पूरी तरीके से महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी को मानते थे वो, और सोसाइटी के समर्पित थे। तो भैया अगर उनको कुछ भी गलत लगता था कि ये जो एक तबका है बहुत बुरी तरह खर्च कर रहा है, हर तरीके से उन्होंने उसको कंट्रोल करने की कोशिश की। तो ये था, तो मोरारजी देसाई का जन्म गुजरात में हुआ था, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में हुआ था। उसके बाद इनकी शुरुआती स्कूलिंग वहीं से होती है। ग्रेजुएशन के बाद इन्होंने दिन रात मेहनत की और सिविल सर्विस निकाला। जी हाँ भैया, IAS थे, मोरारजी देसाई वॉज एन IAS। उस समय तो UPSC था नहीं, काफी अलग एग्जाम होता था सिविल सर्विस का। तो भैया
बॉम्बे प्रोविंस से उन्होंने मतलब इस परीक्षा को उत्तीर्ण किया और उसके बाद डेप्यूटी कलेक्टर बनाए गए। ये 12 साल तक इस पद पे रहे। उसके बाद भारत में महात्मा गांधी ने एक के बाद एक मूवमेंट स्टार्ट कर दिए और यहां पे महात्मा गांधी की आइडियोलॉजीज और महात्मा गांधी के भी संपर्क में आते हैं। ठीक है, मोरारजी देसाई ने अपने आप को एक टाइम पे पूरी तरह से देश को समर्पित कर दिया। 12 साल नौकरी करने के बाद उन्होंने डेप्यूटी कलेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया। ब्रिटिश सरकार के लिए जो नौकरी करते थे उन्होंने छोड़ दी और अब भारत के लिए आ गए। वो 1930 में भारत के जितने भी मूवमेंट थे उसमें शामिल हो गए और उसके बाद तीन बार ये जेल में भी गए। दोस्तों ऐसा बोला जाता है कि कई बार आपने आर्ग्यूमेंट सुना होगा कि जो लोग बड़े बड़े नेता जो बहुत जो जेल में जिनका आना जाना होता है तो वो बोलते हैं कि अरे बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर जेल में गए थे, भैया वो अच्छे कामों के लिए गए थे, आप किस कामों के लिए जा रहे हैं ये भी देखो। ठीक है, तो ये चीज थी। तो मोरारजी देसाई जब उन्होंने फ्रीडम मूवमेंट में पार्ट लिया था तो इसके लिए उनको जेल में भी जाना पड़ा था, लेकिन सबसे बड़ा उनको अपॉर्चुनिटी मिली थी जब 1937 में गुजरात प्रदेश कांग्रेस के उनको सेक्रेटरी अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, तो अब दोस्तों ऐसा था, मैं बताना चाहता हूं कि 1935 में ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ गया था, मतलब भारत में जितनी भी पार्टियां हैं जो एकदम कोर पार्टीज है, जो बहुत बड़ी पार्टियां हैं, वो इलेक्शन लड़ सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे इंडियन नेशनल कांग्रेस जीती थी जब इलेक्शन हुए थे। ठीक है, मुस्लिम लीग माइनॉरिटी में थी, यही पूरा झगड़ा चला था। खैर वो एक अलग टॉपिक है, उस पर मैंने कई बार भी लेक्चर कवर किए हैं, पार्टीशन ऑफ इंडिया और उसके बाद डायरेक्ट एक्शन डे, वो देख लीजिएगा, अवेलेबल है स्टडी आईक्यू पे। तो ये सब कुछ हुआ था। तो यहां पे जब पूरी कांग्रेस पावर में आई थी तो मोरारजी देसाई को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन दी गई थी और यही सही साफ हो गया था। अगर कोई इंसान जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद अपनी दावेदारी पेश कर रहा है प्रधानमंत्री की, तो आप खुद सोचिए उसका कद कितना बड़ा होगा। तो मोरारजी देसाई का यह कद था। अब दोस्तों कहानी आगे बढ़ती है। 1939 में वर्ल्ड वॉर टू शुरू हो जाता है। यहां पे महात्मा गांधी कांग्रेस के साथ पूरी तरीके से लग जाते हैं कि अब हम अंग्रेजों को भगा देंगे। एक के बाद एक मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट चालू होता है। सारे के सारे कांग्रेस वाले जिनको भी मिनिस्टर्स के पद मिले होते हैं या जो भी सरकार के लिए काम कर रहे होते हैं, सब इस्तीफा देते हैं कि अब हमको आजादी मिलनी चाहिए। 1935 में तो पार्शियल इंडिपेंडेंस मिली थी, आजादी अभी तक नहीं मिली थी। 1939 में तो वैसे ही ब्रिटिशर बहुत कमजोर हो गया होता है और बोल रहा होता है चलो भारत तुम भी आओ वर्ल्ड वॉर टू में, तो ये पूरा का पूरा सिनारियो क्रिएट हो गया था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुआ, भारत आजादी के बहुत ज्यादा करीब आ गया था। और उसके बाद अच्छा एक चीज और बता दूं कि इसी दौरान क्विट इंडिया के लिए भी इनको जेल हुई थी। ठीक है, क्विट इंडिया के बाद तो ब्रिटिशर पागल हो गए थे, सबको धर दबोचा था, जितने भी लीडर्स थे सबको जेल में उठा के डाल दिया था। तो उसके बाद 3 साल तक वो रहे और उसके बाद फिर 1945 में फाइनली इनको रिलीज किया गया। उसके बाद स्टेट असेंबली के इलेक्शन आ गए। 1946 में बॉम्बे के लिए उनको होम मिनिस्टर बनाए गए, होम एंड रेवेन्यू मिनिस्टर, और वहां पे फिर उन्होंने अपना काम जो है स्टार्ट कर दिया। दोस्तों 1952 में इनको चीफ मिनिस्टर ऑफ बॉम्बे भी चुना गया था। इनका काम बहुत बढ़िया था। आपको बताना चाहता हूं कि 1947 के बाद जब भारत आजाद हुआ था, इससे पहले क्या था दोस्तों, इससे पहले यह था कि भारत में हर कोई यूनाइट था। ठीक है, हिंदू मुस्लिम यूनिटी नहीं थी इतनी ज्यादा, लेकिन जितने लीडर्स थे वो यूनाइटेड थे। ठीक है, स्पेशली कांग्रेस के कोई विद्रोह की आवाज नहीं आ रही थी क्योंकि एक ही दुश्मन था, अंग्रेज सरकार। पहले अंग्रेजी सरकार से छुटकारा पाओ, उसके बाद देखेंगे। 1947 के बाद लीडरशिप के इश्यूज आने शुरू हो गए। भैया श्याम प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने इनडायरेक्टली बीजेपी की नींव रखी, ठीक है, जो इस समय रूलिंग पार्टी है, वो तो पहले थे ना जिन्होंने कैबिनेट से रिजाइन दिया था, उनकी भी बायोग्राफी मैं लेके आऊंगा। तो ऐसा है कि यहां पे जब भारत आजाद हुआ तब एक के बाद एक लीडर अपनी असहमति भी वो व्यक्त करते थे इंडियन नेशनल कांग्रेस से, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू से। ठीक है, और वो बाद में खुल के सामने आई जब जवाहरलाल नेहरू का देहांत हो गया, प्रॉब्लम्स शुरू। यहां पे जब 1952 में इनको बॉम्बे का चीफ मिनिस्टर बनाया गया तो दोस्तों एक चीज और हुई थी। आपको पता ही है कि 1947 में सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि भारत के जितने भी राज्य हैं, स्पेशली प्रिंसली स्टेट्स, सारी रियासतों को एक कैसे करना है। तो भैया सरदार पटेल जो कि भारत के होम मिनिस्टर थे, उन्होंने दिन रात काम करके इन सारी रियासतों को एक किया और भारत बनाया। ठीक है, ऑपरेशन पोलो पे भी मैंने पूरा एक सेपरेट लेक्चर किया है कि किस तरीके से हैदराबाद को एनेक्स किया। तो ये सरदार पटेल को श्रेय जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि बहुत सारे स्टेट्स, बहुत सारे राज्य
अलग स्टेटस मांग कर रहे थे, क्योंकि यहां पे देखिए दोस्तों शुरू में ही 28 स्टेट्स नहीं बने, ये अभी हमारा 29 स्टेट्स है ना, ठीक है, शुरू में तो इतने बने नहीं थे। तो दिक्कत ये थी कि किस तरीके से स्टेट्स क्रिएट किए जाए, राज्यों को कैसे क्रिएट किया जाए। तो एक भाषा के आधार पर लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाओ। यहां पे एक प्रॉब्लम ये हो गई थी बॉम्बे में, महाराष्ट्र में, कि वो बोल रहे थे कि सबसे ऊपर अगर किसी के हित होने चाहिए तो वो मराठी लोगों के होने चाहिए। एक ऑर्गेनाइजेशन ये बोल रही थी, और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या था, बाला साहब ठाकरे के जो पिताजी थे केशव ठाकरे, वो बहुत ही ज्यादा एक्टिव मेंबर थे इस ऑर्गेनाइजेशन के। उन्होंने ही बल्कि इस ऑर्गेनाइजेशन में बनाने में बहुत बड़ा हाथ था। इसका नाम था महाराष्ट्र संयुक्त मोर्चा या समिति। तो यहां पे प्रोटेस्ट हो रहा था पूरी तरीके से कि सबसे पहले तो अगर किसी को सारे राइट्स मिलने चाहिए तो मराठियों को मिलने चाहिए। मोरारजी देसाई इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। मोरारजी देसाई को लगता था कि भारत एक देश है, यहां पे हर कोई समान है। भैया मोरारजी देसाई जैसा कि मैंने बताया, वो तो स्टॉन्च बिलीवर थे, हर चीज सोसाइटी के लिए करते थे। और दूसरी चीज ये है कि मराठी महाराष्ट्र में बाद में तो भयंकर तरीके से आंदोलन होने लगे थे, क्योंकि मोरारजी देसाई गुजराती थे। गुजरात के लोगों को और साउथ इंडिया के लोगों को भगाने का पूरा सिलसिला बाद में शुरू कर दिया था ना, बाला साहब बिल्कुल इन्वॉल्व हो गए थे। बाला साहब ठाकरे की मैंने बायोग्राफी रिव्यू किया और अब तो उन पे मूवी भी आ रही है ना। तो ये चीज थी, उन्होंने तो एक नारा दे दिया था ना, खैर उन्होंने नहीं, लुंगी क्या था, लुंगी हटाओ पुंगी बजाओ, कुछ इस तरीके का नारा उन्होंने दिया था। तो यहां पे मोरारजी देसाई जब प्रोटेस्ट ये पूरा का पूरा हो रहा था कि सबसे ऊपर महाराष्ट्र और ये, तो मोरारजी देसाई ने सीधा बोल दिया था कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो एक बार प्रोटेस्टर जो थे उन्होंने अपनी सीमाएं लांग दी थी, तो यहां पे मोरारजी देसाई ने सीधा ऑर्डर दिए थे, उड़ा दो सबको, 105 लोगों की जान गई थी। तो ये भी तब यह समझ में आ गया था कि मोरारजी देसाई स्ट्रिक्ट डिसीजन लेने में पीछे नहीं हटेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इनको अपनी कैबिनेट में बुला लिया, और इसके बाद ये मिनिस्टर फॉर कॉमर्स और इंडस्ट्री बने, ठीक है, और उसके बाद इनको फाइनेंस मिनिस्ट्री मिली। अब दोस्तों ऐसा है कि यहां पे इन्होंने काफी कुछ किया, इन्होंने डिफेंस के लिए बजट रेस किया, पैसे इन्होंने लाने शुरू किए, ठीक है, रेवेन्यू को थोड़ा रेस किया, इन्होंने इंडस्ट्रीज लगाना शुरू किया, इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना शुरू किया, और सबसे बड़ी चीज दोस्तों इन्होंने लैंड रिफॉर्म्स लाने शुरू किए। दोस्तों लैंड रिफॉर्म्स उस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, आज भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि जमीन जो थी जब भारत आजाद हुआ था ये कुछ लोगों के पास थी, और ये कुछ लोग वो थे जो बहुत अमीर थे, इनको जमींदार बोला जाता था, ठीक है, लैंड ओनर जिनको बोला जाता था। और ये जमींदार कैसे बने थे, गरीबों की जमीन हड़प के। तो भैया रातों रात देश आजाद हो गया। अब दूसरी चीज, कोई आपको जमीन क्यों देगा, ठीक है, तो ये लैंड रिफॉर्म्स का मसला जो था ना वो बड़ा दिक्कत था। इधर आचार्य विनोबा भावे ने पूरा का पूरा अपना भूदान मूवमेंट स्टार्ट कर दिया था। वैसे आचार्य विनोबा भावे की बायोग्राफी और भूदान मूवमेंट मैंने दोनों कवर किया, बताता रहता हूं ताकि दिक्कत ना हो, क्योंकि बाद में आप लोग फिर मुझसे मैसेज या कमेंट बॉक्स में पूछते हैं इसीलिए, ठीक है। तो यहां पे इन्होंने काफी कुछ किया, लेकिन दोस्तों दिक्कतें तब आई और मोरारजी देसाई ने खुल के बोलना तब शुरू किया जब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की डेथ हो गई। मई 1964 जवाहरलाल नेहरू की डेथ हो गई। अब प्रधानमंत्री कौन बनेगा, यहां पे ऐसे भयंकर बगावती स्वर हमको सुनने को मिलते हैं कांग्रेस के अंदर कि सब कुछ एकदम रुक सा गया, थम सा गया। अब दोस्तों ऐसा है कि कांग्रेस के अंदर एक ग्रुप था सिंडिकेट, जिसको सिंडिकेट बोला जाता था। ये ऐसे प्रभावशाली नेता थे, कम नेता थे ऐसे, लेकिन ऐसे बड़े प्रभावशाली नेता थे जिनके हाथ में पूरी ताकत थी, और ये जो कहते थे वही होता था। इस सिंडिकेट के जो बड़े लीडर थे वो थे के कामराज भैया, जिनको किंग मेकर बोला जाता था, वो इंसान जो राजाओं को बनाए। अब भैया जो इंसान राजा को बनाता है वो तो राजा से ऊपर हो गया, जैसे चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को बनाया और चाणक्य को सबसे ऊपर माना जाता है। तो क्योंकि वक्त आने पे वो राजा बदल भी तो सकता है ना, जो राजा को बना रहा है वो राजा को गिरा भी सकता है। तो के कामराज जो कि भैया तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर थे और कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे, तो इनको किंग मेकर बोला जाता था, और इन्होंने मोरारजी देसाई ने अपना दावा पेश कर दिया था, और मोरारजी देसाई को ये सब जान रहे थे कि यही प्रधानमंत्री बनेंगे, सबसे सीनियर लीडर थे। लेकिन के कामराज ने वक्त की नजाकत को समझा और लाल बहादुर शास्त्री को चुना। लाल बहादुर शास्त्री की बायोग्राफी देखिएगा, मैंने बताया पूरा क्या सिनेरियो हुआ था। तो लाल बहादुर शास्त्री को उन्होंने चुना, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 18 महीने बाद लाल बहादुर शास्त्री की भी रहस्यमय हालत में उनकी मौत हो जाती है भैया, ताशकंद एग्रीमेंट के बाद, तुरंत बाद ही जनवरी 1966 में उनकी मौत हो गई। अब और बड़ी प्रॉब्लम, क्या करें,
अब फिर मोरारजी देसाई को एक और मौका मिल गया। मोरारजी देसाई ने बोला कि नहीं नहीं मुझे ही प्रधानमंत्री बोलना चाहिए, और वो बोलते थे, मैंने बताया ना, मुंह पर थे, ऐसा नहीं था कि वो छुपा के रखते हैं। यहां पे दोस्तों भयंकर षड्यंत्र पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है। इंदिरा गांधी को पॉलिटिक्स में आने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो तो लाल बहादुर शास्त्री उनको खींच के लाए थे, ऐसा उन्होंने बोला है अपनी ऑटोबायोग्राफी में, ठीक है, और लाल बहादुर शास्त्री भी कहते हैं अपनी बुक में, ठीक है, तो वो तो खींच के लेके आए थे। तो अब ये है कि इंदिरा गांधी उस समय बिल्कुल नहीं थी भैया, शुरू में तो उनको गूंगी कुड़िया बोला जाता था, ठीक है, उनके पार्टी उनको कभी पसंद ही नहीं करते थे, लेकिन धीमे धीमे वो बहुत स्ट्रांग हो गई, वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग लीडर बन गई थी कि भैया पाकिस्तान को ही हरा दिया था, वो तो सभी को पता है। तो अब ऐसा है कि इंदिरा गांधी पे जाए कि मोरारजी देसाई को बनाए, बहुत ज्यादा इसमें होता है दोस्तों, काफी ड्रामा चलता है, लेकिन अल्टीमेटली 1967 में जब इलेक्शन होते हैं, ठीक है, भारत में 1967 में जब इलेक्शन हुए, कांग्रेस जीती, जीत नहीं था कांग्रेस को, लेकिन कांग्रेस इस बार बहुत बड़े मार्जिन से नहीं जीती, 78 सीटों का नुकसान हुआ था, और आपको बता दूं खाली 283 सीटें जीती थी कांग्रेस ने, ऊपर से 8 राज्यों में बहुमत नहीं मिली थी, यानी कि कांग्रेस के पास से 8 राज्य चले गए थे, तो कांग्रेस की हालत जो है वो काफी खस्ता हो गई थी, कमजोर होती जा रही थी कांग्रेस। अब सवाल यह है, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बने कि मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी, पार्टी इंदिरा गांधी को, और जो सिंडिकेट था वो भी इंदिरा गांधी, ठीक है, स्पेशली के कामराज, तो के कामराज, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई का मूड खराब, लेकिन यहां पे इंदिरा गांधी ने ये बोला कि मोरारजी देसाई को हम डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर देंगे, ये दोनों पोर्टफोलियो देंगे, लेकिन यहां पे मोरारजी देसाई ये बोल रहे थे कि मुझे होम मिनिस्ट्री भी चाहिए, मुझे गृह मंत्रालय भी चाहिए, इंदिरा गांधी ने बोला गृह मंत्रालय नहीं मिलेगा। काफी मीटिंग्स हुई दोस्तों, काफी बातचीत हुई, इसमें एमपी के भी चीफ मिनिस्टर सब, काफी डीपी मिश्रा और काफी लोग शामिल हुए, उसमें फिलहाल मैं इतना नहीं जाऊंगा, लेक्चर लंबा हो जाएगा। कुल मिला के बात यह है कि यहां पर यह बोला गया कि आपको गृह मंत्रालय नहीं मिलेगा, आप डेप्यूटी पीएम बन जाइए, यानी कि इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर और मोरारजी देसाई डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर प्लस फाइनेंस मिनिस्टर। यहां पे दोस्तों एक और चीज होती है, कुछ सालों बाद इंदिरा गांधी के प्रधान निजी सचिव पर्सनल सेक्रेटरी बने बीएन हंसल। अब ये कौन थे? मार्क्सिस्ट थे ये, ठीक है, ये मार्क्सिस्ट थे। ऐसा बाद में होने लगा था कि इंदिरा गांधी, ऐसा उन पे आरोप लगने लगे थे कि इंदिरा गांधी काफी कम्युनिज्म की तरफ जाने लगी थी, कम्युनिस्ट होने लगी थी वो। अब देखिए कम्युनिज्म में क्या होता है, कम्युनिज्म में सरकार सब कुछ कंट्रोल करती है, ठीक है, एक के बाद एक के बाद एक सरकार कंट्रोल करना शुरू करती है, हर चीज सरकार के हाथ में। यहां पे मोरारजी देसाई फ्री इंटरप्राइजेस को काफी बढ़ावा देते थे, वो इंडस्ट्रीज चाहते थे लगे, ठीक है, तो दिक्कत ये हो गई थी कि यहां पे हल्का सा इंदिरा गांधी लेफ्टिस्ट होती जा रही थी। अब यहां पे भयंकर तरीके से इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई भिड़ने वाले हैं। अब क्या होना है, वक्त था दोस्तों जुलाई 1969 का। देखिए हुआ क्या था, दो ऐसे मुद्दे थे जहां पे कांग्रेस स्प्लिट हो गई, कांग्रेस बिखर गई थी, आपको बता दूं, एक कांग्रेस इंदिरा गांधी और एक बाकी के लीडर जिसमें मोरारजी देसाई शामिल थे वो लीड कर रहे थे। हुआ यह था दोस्तों कि इंदिरा गांधी ने एकाएक सीधा बोल दिया मोरारजी देसाई से कि आपसे हम फाइनेंस मिनिस्ट्री वापस लेते हैं, अब आप खाली डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर होंगे। ऐसा क्यों उन्होंने किया था? प्लानिंग ये थी कि 1969 को बैंकों को नेशनलाइज किया जाएगा। अभी मैंने आपको बताया ना, आप थोड़ा डॉट्स कनेक्ट करिए, अभी जस्ट मैंने बताया था कि यहां पे हल्का सा लेफ्टिस्ट होने लगी थी, इसका मतलब यह है कि अब सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल करेगी चीजों को, और सबसे पहला वार बैंकों पर होगा। अब मैं आपको यहां पर एक चीज बताता हूं, ये जो नेशनलाइजेशन का फैसला था, इंदिरा गांधी को रातों रात हीरो बना दिया था इस डिसीजन ने, क्योंकि उस समय बैंक की हालत क्या थी, पूरे देश में 6000 ब्रांचेस, विस्तार नहीं था, एक्सपेंशन नहीं था, क्योंकि बैंक 1969 से पहले प्राइवेट हाथों में थे, ठीक है, प्राइवेट ओनर्स जो है वो बैंकों को चला रहे थे। प्राइवेट मतलब वो अपना फायदा देखेंगे, जब वो अपना फायदा देखेंगे तब वो ब्रांचेस बढ़ाएंगे। अब दिक्कत ये हो गई कि यहां पे जो बैंक्स थे 1969 से पहले वो खाली अमीरों के लिए थे, गरीब घुसना तो छोड़ दीजिए, देख भी नहीं सकता था, बैंक है ये, पता भी नहीं था, कोई गरीब जो है वो बैंक के अंदर नहीं जा सकता था। लेकिन यहां पे जब इंदिरा गांधी ने 14 बैंकों को नेशनलाइज किया 1969 में, जुलाई 1969 में ये ऐतिहासिक डिसीजन जब लिया, तो यहां पे कोई भी हो वो बैंक में जा सकता था और उसकी फैसिलिटीज अवेल कर सकता था, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। इससे पहले खाली अमीर ही जाते थे, आपको बता दूं, ठीक है, जिनके पास पैसा होता था, गरीब क्यों जाएंगे, ठीक है। तो अब ये हुआ
कि अगर इंदिरा गांधी ना होती तो आज बैंक का एक्सपेंशन नामुमकिन होता। इंदिरा गांधी की ही वजह से आज बैंक का एक्सपेंशन हो रहा है, क्योंकि अगर प्राइवेट हाथों में होते तो कभी एक्सपेंड नहीं करते, ना उन्होंने किया आजादी के बाद। तो यह चीज थी। दूसरी चीज क्या हो गई, प्रेसिडेंट का इलेक्शन। दोस्तों ऐसा था कि इंदिरा गांधी अपना डिसीजन खुद लेती थी, ठीक है, और यही बाद में कांग्रेस ने बोला कि पार्टी के खिलाफ जा रही है, ठीक है। अब हुआ क्या था कि यहां पे दो प्रेसिडेंट कैंडिडेट थे, एक थे वीवी गिरी जिसको इंदिरा गांधी सपोर्ट कर रही थी, जिनको इंदिरा गांधी सपोर्ट कर रही थी, दूसरे थे नीलम संजीवा रेड्डी जिनको बाकी कांग्रेस के नेता सपोर्ट कर रहे थे। इंदिरा गांधी ने बोला वीवी गिरी कांग्रेस के नेता सपोर्ट नहीं, छोड़ो वीवी गिरी को नहीं बनाएंगे, इनका अल्टरनेटिव जगजीवन राम को बनाएंगे। तो यहां पे फिर इंदिरा गांधी के उम्मीदवार जगजीवन राम हुए। वैसे उनका जो मेन उम्मीदवार थे वो थे वीवी गिरी, लेकिन कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि नीलम संजीवा रेड्डी बने, और अल्टीमेटली नीलम संजीवा रेड्डी पे ही सहमति बनी। लेकिन बाद में वीवी गिरी निर्दलीय खड़े हो गए, इंडिपेंडेंट खड़े हो गए, और वीवी गिरी जीत गए। अब यहां पे जो षड्यंत्र रचा जा रहा था इंदिरा गांधी के खिलाफ, उसमें कांग्रेस के नेता ही फंस गए, ठीक है। तो और यहां पे इंदिरा गांधी की जीत हुई। अब यहां पे इसी मुद्दे पे, इन दो मुद्दे पे कांग्रेस स्प्लिट हो गई, विभाजन हो गया, ये बोला गया, जो कि सही है, इसमें कोई गलत नहीं है, कि यहां पे जो पार्टी के डिसीजन थे उसके बिल्कुल ऑपोजिट जा रही थी इंदिरा गांधी। जो पार्टी बोल रही थी हमको वो मानना ही नहीं, हम अपना बनाएंगे, तो स्प्लिट होना ही था। तो यहां पे दोस्तों दो में स्प्लिट हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें। एक तो कांग्रेस ओ जो कि राइवल पार्टी थी इंदिरा के खिलाफ, दूसरा कांग्रेस रूलिंग, कांग्रेस आर जो कि इंदिरा गांधी की पार्टी बनी। तो यहां पे दोस्तों इलेक्शन होने थे 1971 में। अब दोस्तों ठीक 18 महीने पहले एक और उन्होंने गजब का फैसला लिया और तुरक का इक्का फेंका, उन्होंने लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया। भैया सब कुछ डिसॉल्व हो गया, इलेक्शन होंगे, इलेक्शन हुए, नारा यह दिया गया कि इंदिरा हटाओ, लेकिन इंदिरा गांधी तो हटी नहीं, क्योंकि जब नतीजे सामने आए तो पूरे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे कांग्रेस ने। उनको 558 में से 352 सीटें मिली थी कांग्रेस को, तो सारे रिकॉर्ड टूट गए थे। अब यहां पे एक और खेल शुरू होता है। मोरारजी देसाई का सपना बनता जा रहा था, ठीक है। तो अब यह है कि यहां पे दोस्तों बहुत ज्यादा इल्जाम लगने शुरू हो गए। उसके बाद फिर 1971 वॉर भी हुई, इंडो पाकिस्तान वॉर। अब दोस्तों उसमें मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, हालांकि बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है क्योंकि हम मोरारजी देसाई को देख रहे हैं। 1971 वॉर हुई, उसमें आपको पता ही है कि भैया पाकिस्तानी सेना ने पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया था, जिसने इंदिरा गांधी को और बड़ा हीरो बना दिया था, ठीक है। बांग्लादेश अलग कर दिया था उन्होंने, घाव दे दिया था। इंदिरा गांधी ने अभी तक भैया पाकिस्तान को घाव दिया है, मैं बता दूं। तो दोस्तों ऐसा है कि मोरारजी देसाई का सपना बनता जा रहा था, कुछ ना कुछ करने की बहुत ज्यादा जरूरत थी। तो यहां पे दोस्तों ऐसा हुआ कि जब इलेक्शन आया उसमें इंदिरा गांधी जीती, लेकिन दिक्कत यह हो गई कि यहां पे इंदिरा गांधी के ऊपर बहुत इल्जाम लगे कि इन्होंने फ्रॉड किया है, इन्होंने पूरा ये जो इलेक्शन है वो फ्रॉड से जीता है। और जैसे ही केस चलने वाला था, शायद इंदिरा गांधी को भी ये अंदाजा था, जैसा कि मैंने बताया कि पूरी पॉलिटिक्स है ये दोस्तों षड्यंत्र का खेल है, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी 1975 में और 2 साल तक इमरजेंसी रही। दोस्तों इसी बीच काफी अमेंडमेंट्स भी हुए थे, संशोधन भी हुए थे, इंदिरा गांधी ने संशोधन भी अमेंडमेंट भी लागू कर दिए थे। भैया 43rd 44th अमेंडमेंट एक्ट याद है ना, अब उसमें इतना डीप तो नहीं जाऊंगा, लेकिन इसमें क्या था कि भैया पार्लियामेंट की पावर ज्यादा हो और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की पावर कम करने की इन अमेंडमेंट्स में पूरी कोशिश की गई। उसके बाद जब 1977 में इलेक्शन हुए, जनता दल पूरी तरीके से जीती, और जनता दल के लीडर कौन, मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई ने यह सुनिश्चित किया कि ये जो अमेंडमेंट्स हैं, ठीक है, ये जो अमेंडमेंट्स हैं इनको हम हटाएंगे। तो इसी के लिए, तो अरे सॉरी, आई एम रियली सॉरी, ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट था, ठीक है। इंदिरा गांधी 42nd अमेंडमेंट एक्ट लेके आई थी और इसको नलिफाई करने के लिए बाद में मोरारजी देसाई 43rd और 44th अमेंडमेंट एक्ट लेके आए थे कि जो इससे पहले इंदिरा गांधी ने रूल बनाया उसको हम खारिज कर रहे हैं। भैया भारत की डेमोक्रेसी को बिल्कुल हमको देखना है कि वो डेमोक्रेसी रहे, खाली नाम की डेमोक्रेसी ना बन जाए, तो ये चीज देखनी है। दूसरी चीज, इमरजेंसी इसके बाद कभी ना लग पाए, इसके लिए भी काफी प्रोविजंस बने थे। अब दोस्तों 1977 आप देख रहे हैं कि इमरजेंसी का काल क्या है, 25 जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1977, ये लगभग 2 साल तक लगाई गई थी। और उसके बाद इलेक्शन होते हैं, जनता दल जीतती है, जनता दल गठजोड़ की सरकार थी और पहली बार एक गैर कांग्रेसी सरकार आई जिसके लीडर थे मोरारजी देसाई। अब मोरारजी देसाई ने काफी कोशिश की, जब तक वो प्रधानमंत्री रहे, खाली 2 साल तक ही रहे,
तो उन्होंने काफी कोशिश की कि वो सबसे पहले तो पाकिस्तान से रिश्ते सुधारें, क्योंकि पाकिस्तान से वैसे ही रिश्ते बहुत खराब हो गए थे। दूसरा, चाइना से रिश्ते सुधारें, उन्होंने काफी कोशिश की। इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम को भी उन्होंने बल देने की काफी कोशिश की, लेकिन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जिससे वो बहुत ज्यादा चिढ़ते थे, रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। मोरारजी देसाई ने पूरी कोशिश की कि इनके बजट को कट किया जाए, इसकी पावर को कम किया जाए। रॉ जो थी वो इंदिरा गांधी के काफी क्लोज थी, और इंदिरा गांधी इसको एक बहुत ही वाइटल क्या कहते हैं कि वो होता है ना कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग मानती थी कि ये बहुत ज्यादा जरूरी है भारत की सुरक्षा के लिए, जो कि सही बात है। एक चीज और बता दूं दोस्तों, इसी बीच ऐसा हुआ था कि एक ऐसी र्यूमर उड़ गई थी कि सेना जो है वो हिंदुस्तान में तख्ता पलट करेगी। तो यहां पे इंदिरा गांधी ने सैम मानेकशॉ को बुलाया था, वही सैम मानेकशॉ दोस्तों जिन्होंने सीधा इंदिरा गांधी को बोल दिया था 1971 में, जब इंदिरा गांधी ने यह बोला था कि बांग्लादेश से हमको युद्ध लड़ने जाना है, सॉरी पाकिस्तान से हमको युद्ध लड़ने जाना है, ताकि हम वहां पे जो पूरा उधर पूरा चल रहा है पूर्वी पाकिस्तान में वो सब बंद हो सके और बांग्लादेश को हम मतलब उधर पाकिस्तान को हम लिबरेट कर सके। तो सैम मानेकशॉ ने बोल दिया था कि अगर इस समय हम लड़ने जाते हैं तो हमको हार झेलनी पड़ेगी। यही एडवाइस अगर किसी ने जवाहरलाल नेहरू को दी होती तो बहुत सही रहता, ठीक है, ऐसा हो नहीं पाया। खैर, तो ये चीज थी। तो रॉ को उन्होंने पूरी तरीके से टैकल करने की कोशिश की और वो काफी हद तक कामयाब भी हुए, लेकिन इसके बावजूद 1979 में दोस्तों जो जनता दल है, जैसा कि मैंने बताया कि गठजोड़ की सरकार थी और इन सरकारों का कभी भरोसा होता नहीं है, चरण सिंह, राजनारायणन और काफी लोगों ने अपना सपोर्ट खींच लिया और यहां पे मोरारजी देसाई को फिर इस्तीफा देना पड़ा। अब उसके बाद भी इन्होंने कैंपेन की, लेकिन अब दोस्तों मोरारजी देसाई की काफी उम्र भी हो गई थी और उन्होंने फिर यही फैसला लिया कि अब मुझे रिटायरमेंट लेना है, और उसके बाद उनकी 99 साल में 1995 में डेथ हो गई, ठीक है। तो काफी आइकॉनिक इनका करियर था और काफी कुछ दोस्तों इन्होंने किया भी। अगर पर्सनल लाइफ की बात करें दोस्तों, तो 5 बच्चे थे मोरारजी देसाई के, और इनकी शादी 1911 में हुई थी इनके मधुकेश्वर देसाई दोस्तों, जो बेसिकली इनके पोते हैं, है ना, तो वो तो इस समय भारत बीजेपी के युवा मोर्चा के वो अध्यक्ष हैं। तो ये चीज है। तो आई होप ये दोस्तों लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और आप ये देख सकते हैं कि ये भारत और पाकिस्तान के सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स इनको मिले हुए हैं। तो ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, इसको जरूर शेयर कीजिए। हाँ, थोड़ा सा लंबा हो गया है, और भी लंबा हो सकता था, लेकिन दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, कोशिश करूंगा कि मैं इमरजेंसी पीरियड पे एक सेपरेट लेक्चर बना दूं। तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।